हेलो एवरीवन, कुक विद भावना में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ में चॉकलेट ओम्बरे केक की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, और जिसे हमने ना आटे से बनाया है ना मैदे से बनाया है, और इसमें हम ना ही घी, बटर, ऑयल किसी का भी यूज़ नहीं करने वाले हैं, और बहुत अच्छा केक बन के तैयार होता है। तो रेसिपी आप पूरी देखिएगा, और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही दिए गए बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए हम केक बनाना शुरू करते हैं। चॉकलेट ओम्ब्रे केक बनाने के लिए 2 कप सूजी लेनी है हमें, और सीधे ही हम मिक्सी के ग्राइंडिंग जार में ले लेंगे इसे। ये 2 कप सूजी ले ली, अभी हम इसे अच्छे से पीस देते हैं। सूजी को हमने पीस के तैयार कर लिया है, और अभी इसे हम एक अलग बर्तन में निकाल लेते हैं। इसी में अब हम 1 कप पीसी हुई चीनी डाल देंगे, मिक्स कर देंगे इसे अच्छी तरह से। अब इसी में हम 1 कप हमारी घर की जो दूध की मलाई होती है वो डाल देंगे। इसके अलावा इसमें ऑयल, घी, बटर कुछ भी नहीं डालना है हमें। उसके बाद उसी कप से 1 कप दूध डाल देंगे हम इसमें, और सभी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे हम इसे। इसमें हमें अलग से दही या कंडेंस मिल्क कुछ भी डालने की जरूरत नहीं होती है। अच्छे से मिक्स हो गया है हमारा बैटर, तो अभी इसे हम 15 मिनट के लिए एक तरफ ढक के रख देंगे ताकि हमारी सूजी अच्छे से फूल जाए। 15 से 20 मिनट हो चुके हैं और हमारी सूजी बिल्कुल फूल के अच्छे से तैयार है। अभी हम इसमें 1 चम्मच वैनिला एसेंस डाल देंगे। दो चम्मच इसमें हमें बेकिंग पाउडर डालना है। एक छोटी चम्मच बेकिंग सोडा। सभी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम। बैटर हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है और केक का बैटर बिल्कुल रेडी है। अभी हमें इसे बराबर 3 भागों में डिवाइड करना है। ये हमने बराबर 3 भागों में केक के बैटर को डिवाइड कर लिया है। एक बाउल में हम 2 टेबलस्पून कोको पाउडर मिला देंगे। दूसरे बाउल में हम 1 छोटी चम्मच कोको पाउडर मिला देंगे, और अभी इन्हें मिक्स कर देंगे हम। तो हमारे तीनों बैटर बिल्कुल रेडी हैं, और तीनों को हम अलग अलग पाइपिंग बैग में भर के तैयार करेंगे। अभी हमें एक केक टिन को ग्रीस करके और उस पर इस तरह से बटर पेपर या जो बेकिंग पेपर आता है वो लगा करके और तैयार करना है। और जो हमने कोको पाउडर से मिक्सचर तैयार किया था वो वाला बैटर सबसे पहले हम डालेंगे यहाँ। उसकी एक लेयर बना के तैयार करेंगे। तो एक लेयर हमने इसमें डाल दी है, इसे एक सार कर देंगे। अभी दूसरी लेयर डाल देते हैं इस पे। अब दूसरा बैटर डाल देते हैं इस पे। तीसरी लेयर लगा देंगे इस पे। इसे भी सेट कर लेते हैं।
अभी बेक होने के लिए बिल्कुल रेडी है और हमारी कढ़ाई भी प्री हीट होके तैयार हो गई है, तो चलिए इसे बेक कर लेते हैं। कढ़ाई प्री हीट हो चुकी है और सावधानी से हम केक टिन को इसमें रख देंगे, कवर कर देते हैं इसे। कवर कर दिया है इसे हमने और लो टू मीडियम फ्लेम पे लगभग 30 से 35 मिनट तक हमें इसे बेक करना है। फ्रेंड्स, हमारा केक बहुत अच्छे से बेक होके तैयार हो गया है और इसे बेक होने में 35 मिनट लगे हैं। इसे अभी हम बिल्कुल ठंडा होने देंगे, उसके बाद ही डीमोल्ड करेंगे। फ्रेंड्स, केक थोड़ा ठंडा हो चुका है तो अभी इसे हम डीमोल्ड कर देते हैं, कॉर्नर छुड़ा लेते हैं पहले। अब इसे हम एक प्लेट में ट्रांसफर कर देंगे। हल्का सा टैप करेंगे और ये देखिए हमारा केक बहुत ही अच्छा बनके तैयार हो गया है और अपने आप देखिए इसका स्पंज भी बहुत अच्छा आया है। तो आप देख सकते हैं कितना बढ़िया चॉकलेट ओम्ब्रे केक बनके तैयार हो गया है और वो भी बिना घी, बिना बटर, बिना ऑयल के, और ना ही हमने आटा यूज़ किया है, ना ही मैदा यूज़ किया है, सूजी से बनके तैयार हो गया है। तो अभी हम इसके पीसेस करके तैयार करते हैं। देखिए एक पीस दिखाती हूँ मैं आपको, बहुत ही अच्छा केक बनके तैयार हुआ है। तो आप ज़रूर ट्राई कीजिए इस रेसिपी को और रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपनी फैमिली और फ्रेंड्स में और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलेंगे हम एक नई रेसिपी के साथ।